हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज अनूप कुमार फ्रॉम पीजी ट्रेडर्स। आज मैं आपको ऐसे बच्चों से मिलवाना आ रहा हूँ। ये देख रहे बच्चे आए हुए हैं मेरे पास, ये इवेंट्स का काम करते हैं। इन्होंने स्टार्ट शायद हमारे मिक्की मिनी से स्टार्ट किया था, इससे पहले कुछ काम है आपके पास? नहीं, पहले मैं एयरवॉकर की ड्रेस से स्टार्ट किया। एयरवॉक इनके पास इन्फ्लेटेबल वाले हवा वाले भी हैं, तो हमारा वाला भी हमसे लेके कितना समय हो गया इसको दिए हुए? इसको लिए मैंने 4 महीने हो गए। जब मैंने आपका देखा था ना ऑनलाइन, तो मुझे पीजी ट्रेडर्स दिखा था, या मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर था। ओके, ये दिल्ली से ही है। नाम क्या बताया? नाम मेरा सर्वेश नाम है, और सर्वेश मैं इनका दोस्त है। क्या नाम बेटा? ये मेरे दोस्त है मोनू भाई। तो मैं सिर्फ यहाँ से कुछ आप कह रहे थे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने ये 4 महीने पहले जैसे कि आपने देखा होगा लिया है, अब ये है और भी यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह रखे हुए हैं। तो ये न्यू है, ये मेरा पुराना है। तो ये आज थोड़ा सा रिपेयरिंग कराने आया था मैं अंकल जी के पास, तो मुझे इनके पास आके थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, मिला भी। और इसके साथ ही साथ में अंकल जी ने काफ़ी चीज़ें बात करते करते रिपेयरिंग कर दी। जैसे इसके कान थोड़े से इधर उधर हो रहे थे, पैकिंग करते टाइम पे रख जाते हैं, इसकी नोज़ी उखड़ गई थी, तो वो सब भी रिपेयरिंग किया अंकल जी ने। और मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह जाते हैं हम कुछ चीज़ रिपेयरिंग कराने तो कहते हैं चार्जेस, तो चार्जेस वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अंकल जी ने ये भी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, बाकी एक दो चीज़ें हैं वो अंकल जी ऐसे कर देते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने इससे इतने अच्छी इनकम की है कि बहुत ही अच्छी इनकम की है, मैं बताऊंगा तो मेरा मेन आपको मिलवाने का रीज़न ये था कि जो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को इस बात की हुई कि इस बच्चे ने अर्न किया, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो बच्चे ने क्या अर्न किया, या कितने बार इसको यूज़ कर चुके हो, कितनी बार आप इसको? तो मैं कम से कम मेरा फोर मंथ हो गया, और फोर मंथ में मैंने आई थिंक 100 times यूज कर लिया है। 100 times मतलब इन्होंने अर्न कर लिया, तो इसकी कॉस्टिंग तो कम से कम वो तो बहुत ही तो अर्न करके दिया, अर्निंग कर रहा हूँ बहुत अच्छी। अभी भी आज भी मेरा ये शाम को लगेगा, ये अपना कनॉट प्लेस में लगेगा मेरा आज। तो मैंने कहा आज ही रिपेयरिंग करा लूँ, और मेरा टाइम भी होने वाला है, तो मेरे को 7 बजे पहुँचना भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा टाइम है तो रिपेयरिंग करके और निकल जाऊंगा वहीं पे। तो थोड़ा अच्छा भी लग गया, अभी अच्छा भी दिख रहा है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना इसको एक तरीके से अपनी चीज़ की ना वैल्यू करें। और इस बच्चे को भी मैं यही कहता हूँ, कंपटीशन अपनी जगह होता है, देखो ड्रेस अपनी जगह होती है, लेकिन परफॉर्म जो है ना वो आप करते हो, परफॉर्मेंस के पैसे होते हैं। तो आप अपने को कभी भी डीवैल्यू नहीं करेंगे। आप कम से कम, मैं 10 जगह पे तो लोग 5-5 या 7-7 हज़ार रुपये भी ले लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट कस्टमर मिलता है और आप अभी ग्रो कर रहे हैं, तो एक करेक्टर कम से कम 3 या 4 हज़ार रुपये एक करेक्टर आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल, और आपने लेने हैं, ये मैं सोच रहा 1000 रुपये में लगा दूंगा, जब 1500 रुपये में लगा दूंगा। अब ये भी इनका यार दोस्त है, ये भी बेचारा पहन के खड़ा होगा गर्मी के अंदर, तो अपने दोस्त को भी उसका भी ध्यान रखिए, कभी आपको भी पहनना पड़ता है, तो कम से कम आपकी अपनी मेहनत के पैसे मिलने चाहिए आपको। तो मेरा सिर्फ यही कहने का था, इसको अब कंक्लूड कर दे, कहने का मतलब ये है कि आपने जो है इससे बहुत अच्छा अर्न करना है, अपनी इवेंट कंपनी बनाइए और धीरे धीरे करेक्टर ऐड कीजिए। अब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा है, पहले भी खड़ा था, अब और मजबूती से खड़ा है। और ये आपका आशीर्वाद है। कोई बात नहीं, आशीर्वाद कोई बात नहीं, बच्चे ने मेहनत किया, इन दोनों ने मेहनत की है, अभी आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे पास ऐसे कम से कम 10 characters हो चुके हैं, अब 10 characters हो चुके हैं। मिक्की माउस और मिनी माउस से स्टार्ट किया, डोरेमोन भी लेके जा चुका हूँ यहाँ से, और अपना एक ये क्या नाम है, कोको मेलन भी लेके गया हूँ, और बाकी कुछ पुराने मेरे पास पड़े हुए थे। तो अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूँ इन्हों से अभी मैं, और काफी अच्छा है लोगों के बीच में, ये बहुत ही शानदार सा इम्पोर्टेड लुक आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं कहता हूँ कि चाइना जाने की जरूरत नहीं है, हम इंडिया वाले जो है ना बहुत बढ़िया कर सकते हैं। वो कहते हैं ना हम नंबर 1 है इंडिया वाले, तो हम बहुत बढ़िया वाले, अच्छे मेहनत करने वाले बच्चे हैं, और थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाएं वो चीज़ अच्छी बना सकते हैं। आने वाले समय के अंदर जो बच्चे कहेंगे, तो इसके अंदर हम आपको एक फ़ैन भी ऐड करके देंगे, फ़ैन के चार्जेस लगेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं उस पर भी काम करें कि एक अंदर फ़ैन लगाया जाए, तो उसमें भी आपको जो अभी मैंने शुरू कर दिया है, वैसे दूसरे करेक्टर में जो बड़े बड़े करेक्टर में बनाया कर दिया मैंने शुरू, तो धीरे आने वाले समय में कस्टमर की डिमांड पे इसके अंदर भी फ़ैन लगाएंगे, उसके जो चार्जेस होंगे नॉमिनल होंगे, तो वो भी लगाना कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समाप्त करते हैं, और इनकी शुभकामनाएं कि आगे बढ़ें, बहुत अच्छे से बढ़ी रहें और आगे बढ़ें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।